सपना चौधरी ने जमकर तारीफ की है पवन सिंह के गानों की। जी हाँ, सपना चौधरी जो कि होली सॉन्ग पवन सिंह के साथ कर चुकी हैं। आपको बता दें कि जब होली थी तब सपना चौधरी और पवन सिंह के स्टेज शो काफ़ी वायरल हुए थे, और अब हम आपको बता दें कि सपना चौधरी ने जमकर तारीफ की है पवन सिंह की। पवन सिंह के बारे में उन्होंने ये कहा है कि पहली बार पवन सिंह से मिलना हुआ तब होली में, जब मैंने उनके गाने सुने तो दंग रह गई, क्योंकि खेसारी के साथ बहुत काम किया है, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम किया है, लेकिन पवन के साथ कभी मौका नहीं मिला। और पवन सिंह के साथ जब स्टेज शेयर किया तब जाना कि पवन सिंह कितने बड़े सुपरस्टार हैं। वैसे आपको बता दें, सपना चौधरी ने यहाँ बारिश वाले सॉन्ग की बात की, साथ ही साथ ये कहा कि बारिश वाला सॉन्ग उन्होंने भी सुना, बहुत ही खूबसूरत है, और पुदीना वाला सॉन्ग भी उन्होंने सुना। उसे सुनने के बाद काफ़ी देर तक उन सभी के बीच पुदीना वाले गाने को लेकर काफ़ी कॉमेडी भी होती रही। यहाँ तक कि सपना चौधरी ने ये कहा कि आने वाले समय में वो पवन के साथ काम करना चाहती हैं, और तो और उनके स्टेज शो का हिस्सा भी बनना चाहती हैं। वैसे आपको बता दें कि इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह की डिमांड है। पवन सिंह कुछ भी कर रहे हैं उस पर एक बार में ही कई व्यूज़ आ जा रहे हैं। पवन सिंह ने इस बार जो धमाका किया है पुदीना वाला, यानी पीले पुदीना जो सॉन्ग आया, जो पुदीना के तर्ज पर बोलबम का सॉन्ग आया है, 5 घंटे में 5 मिलियन व्यूज़, यानी 5 घंटे में 50 लाख व्यूज़ आए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। और आपको बता दें, ये गाना म्यूज़िक के ट्रेंडिंग में चल रहा है। म्यूज़िक के ट्रेंडिंग में यूट्यूब के इस बार पवन के 2 गाने हैं। 2 नंबर 2 पर बारिश का सॉन्ग चल रहा है, तो 17 पर चल रहा है पुदीना वाला सॉन्ग। लगातार अप्स एंड डाउन देख रहा है ये सॉन्ग। जी हाँ, आपको बता दें, व्यूज़ में जब 5.5 मिलियन व्यूज़ हुआ था इसका 5 घंटे में, तब इस गाने ने 4th पोजीशन हासिल की थी। फिर उसके बाद इस गाने ने अभी फ़िलहाल में 17वीं पोजीशन हासिल की है। और तो और, खेसारी लाल यादव का सॉन्ग लालटेनिया भी आज ही रिलीज़ हुआ है, लेकिन इस सॉन्ग के आगे उस सॉन्ग की अभी कोई भी सुनवाई नहीं है। क्या कहेंगे आप हमारे इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।